हाय हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स न्यू कमर्स ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल एवरीबडी गुड इवनिंग एंड टुडे आई शेयर विद यू टेंसेस एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स काल में कैसे यूज़ करते हैं उसी का फार्मूला के साथ में उदाहरण यानी एग्जांपल्स देके आपको समझाने वाला है जिसको इंग्लिश का ज़रूरी है और हिंदी ज़रूरी है। मेरा हिंदी हिंदी से बात करने के लिए हिंदी का व्याकरण वगैरह यानी इंग्लिश ग्रामर वगैरह ये इसके साथ में स्पोकन इंग्लिश के लिए ये मेरा वीडियो चैनल आपको बताएगा। मेरा वीडियो चैनल फॉलो करिए, आपको एक वीडियो में कम से कम दो तीन पॉइंट आपको नया मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपको फ़ायदा होगा, आगे आप पढ़ने के लिए आपके अच्छा होंगे। तो टुडे वीडियो नंबर 35 लेसन 21 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी दोनों का डिफरेंशिएट क्या है, सामने सामने रखा हूँ इसलिए डिफरेंशिएट देके चेक करके आप लोग जाने के सुविधा होंगे। तो कभी कभी है ना बाजार जा रहा हूँ बोलता है, यानी वो प्रेजेंट में बोलता है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है, तो इसके इसलिए मैं सामने रख करके आपको यानी एक्सप्लेनेशन यानी याद करवा रहा हूँ। ओके, तो पहले हिंदी से बताएंगे फिर तमिल में भी बोलेंगे मेरा तमिल भाइयों के लिए। तमिल भाषा आप लोग जाने, हिंदी भाषा हमारा भाई लोग जाने और इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई जाने, यानी तीन भाषा लैंग्वेज लैंग्वेज अपना आदमी अपने इंडिया कोई भी आदमी के लिए ज़रूरत पड़ता है फॉर हिज करियर्स। कोई टूर जाना है, कोई जाना है उस जगह मना अपना काम करके आने के लिए, ये तीन भाषा हाथ में रहेगा, आप कोई ना कोई भाषा बोल के आप अपना काम करके आ सकें। मेरा चैनल वीडियो यही लेके जाएगा, मेरा प्लेटफॉर्म ये है थ्री लैंग्वेज ट्रैवल मीन्स तीन भाषा को अपना अपना भाषा में समझाएंगे, यानी तमिल वाला का तमिल में समझाएंगे, हिंदी वाला को हिंदी में रहेगा और अंग्रेजी जाना हुआ आदमी को और ये दोनों भाषा सीखने के अंग्रेज में रहेगा। तीन भाषा एक साथ में हम दे, दे हम यानी ले के जाएंगे, तीन भाषा आपको सिखा के जाएंगे। पहले ये प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस में वर्ब किया जाता है V1 नहीं तो V5 डालना है। उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मतलब सेंटेंस कैसे रहेगा, सब पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में V1 वर्ब रहेगा नहीं तो V5 रहेगा। V1 कब रहेगा, प्लूरल रहेगा तो V1 रहेगा और सिंगुलर रहेगा तो V5 रहेगा। V5 क्या क्या है, V5 मतलब यस ई एस आई ई एस, ये तीनों चीज ये तीन में एक कोई वर्ब के साथ में डालना है सिंगल यानी सिंगुलर में आने से। ही सी इट नहीं तो कोई नेम सिंगुलर है ना, उसी में आपका वर्ब के साथ में लास्ट में यस डालेगा ई एस डालेगा नहीं तो आई एस डालेगा। जैसे उसका लेटर आ रहा है उसी हिसाब से डालना है, ये कौन सा जगह में डालना है V5 बोल के उसका अलग से एक वीडियो डाला हूँ, लेसन नंबर 17 इसी में दोनों में एक यानी 17 होगा शायद, तो उसमें वीडियो डाला हूँ, उसमें आपको कैसे यानी यस डालना है, कौन जगह में एक्स यस डालना है, कौन जगह में ई एस डालना है, कौन वर्ब के साथ में आई एस डालना है, वही अटा के आई एस डालना है, वही के साथ में अगर ये वर्बल्स रहेगा तो यस डालना है, ऐसे करके उसमें एक वीडियो डाला हूँ, वो आपको बहुत अच्छा काम देगा, आपको बेनिफिट होगा, उसको देख लीजिएगा। और प्रेजेंट टेंस में रानी वॉक्स टू किलोमीटर मतलब रानी ढेलता है 2 किलोमीटर डेली रोज में, ऐसे करके। ही गोज़ टू लाइब्रेरी,
मतलब पुस्तकालय में वो डेली जाता है बोल के लिखा दिया है। मतलब गो साया ना, गो मतलब गो वेंट गॉन माने प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल तीन वर्ब है। उसी में आपको इसमें गो डालना है तो ई एस डाल के जरा डालना है, यानी वी वन वर्ब डालना है। वी वन वर्ब का जगह में ई एस डालना पड़ता है तो वी फाइव हो गया। तो वी फाइव किस लिए डालता है तो वो पिछला वीडियो में है, उसको देख लीजिएगा। और मेरीस है, सी मेरीस सनसेट्स वाटर पॉइल्स वी गो यू कम दे रीड इट डस, ऐसे बोल के दिखा दिया। इसलिए ही शी इट उसको सिंगुलर है इसलिए उसमें यस डालना है, नहीं तो यस डालना है, नहीं तो आई एस डालना है, डिपेंडिंग ऑफ दैट वर्ब का हिसाब से। ओके सो सी मैरिज हिम एवरी वेडिंग डे, शादी का दिन में, शादी का एवरी शादी का दिन में, हर शादी का दिन में उसने उसका शादी कर रहा है, ऐसे यानी एक कल्पना में आपको दिखाया है। सन सेट्स इन द वेस्ट और रेसेस इन द ईस्ट, यानी यस डाला हूँ, माने सिंगुलर है, सन मून ऐसे सिंगुलर है, स्टार्स है तो प्लूरल हो जाएगा, है ना, प्लूरल के साथ में यानी सेट पे डालना है, यानी वी वन वर्ब डालना है प्लूरल के साथ। ये देखिए वी वन वर्ब वी यू दे, ये मतलब आपका वी वन वर्ब डाला हूँ कि क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए वी वन वर्ब। सो इट डस इट्स बेस्ट ऑल टाइम, उसका काम वो हमेशा हमेशा अच्छा करता है। दे रीड न्यूज़पेपर ऑन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह रोज में रोज सुबह में वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है। यू कम टू माई हाउस एवरी डे एवरी संडे, हर संडे में हर रविवार में मेरा घर तुम आना है बोल के एक आदमी दूसरा को बोला। जैसे वी गो टू सर्च ऑन द मंडे, मंडे में हम लोग सर्च जाता है बोल के जाता है जाती है जाता हूँ, ऐसे ऐसे आएगा ना, उसी जगह आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है तो ता ती ते हो हैं है हूँ ये सब आएगा हिंदी में, वही जगह आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। ओके तो नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्रिया जा रही है, क्रिया जा रही है, जहाँ जा रही है बोल के आता है, रही है रही रहा रहा है रही है रहे हैं बोल के आया तो वो क्रिया जा रही है, यानी कंटिन्यूटी निरंतरता जारी रही हो वही जगह में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ कुकिंग डिनर, सी इज़ कुकिंग डिनर, इसका फार्मूला पहले देखिए, यस सब्जेक्ट इस एम आर, ये तीनों में सिंगुलर के लिए ये तीनों तीनों में इस एम डालना है और प्लूरल के लिए आर डालना है, उसके बाद में वर्ब के साथ आई एन जी फोर वी फोर लिखा हूँ, वी फोर मतलब आई एन जी वर्ब, यानी वर्ब का लास्ट में आई एन जी डाल के, यानी गोइंग कुकिंग रनिंग वर्किंग यर्निंग लुकिंग गोइंग, ऐसा करके वर्ब के साथ में गो है तो प्लस आई एन जी गोइंग बोल के डालना है, डाल के करेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। सी इज कुकिंग डिनर, वो भोजन डिनर वो करता है, यानी वो सी मतलब और वो डिनर करता है यानी कुकिंग करता है। और ही इज रीडिंग बुक्स फास्ट, ही इस रीडिंग मतलब वो पढ़ रहा है रही है रहे हैं बोल के, यानी इस रीडिंग रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, यानी पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक को ये कैसे पढ़ रहा है, फास्ट में पढ़ रहा है यानी स्पीड पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग बुक्स, पुस्तक वो
पुस्तक को स्पीड से पढ़ रहा है बोल के ये बोलना है। इट आर दैट इज रनिंग, रनिंग मतलब फास्ट, फास्ट रनिंग, फास्ट रनिंग माने दौड़ रहा है। और वर्किंग, आर वर्किंग, आर क्यों डाला हूँ, वी मतलब प्लूरल है, दे मतलब फ्लोरल है। दानवीर एंड हिज ब्रदर दोनों, दो आदमी एक का ऊपर है यानी बहुवचन है, बहुवचन के लिए आप आर डालेगा, और एक वचन के लिए इस नहीं तो ए एम डालेगा, आई आया तो ए एम डालेगा, नहीं तो ही सी इट सिंगुलर आएगा तो इस डालेगा, ऐसे करके आप करते जाना है। माई फ्रेंड्स आर गोइंग, फ्रेंड्स मतलब एक से ऊपर है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए आर डालना है, आर गोइंग, वर्ब के साथ गो के साथ आई एन जी डाल के आर गोइंग बोल के लिखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको लगाना जरूरी है वी फोर वर्ब, यानी वर्ब के साथ वी फोर को ऐड करके डालना है। ओके ऐसे करके यानी सेंटेंस बनाने के लिए सब पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसका बाद सिंगुलर है तो यस रहेगा, आई आया तो ये एम आई एम रहेगा, और प्लूरल एक का ऊपर बहुवचन होगा तो आर आएगा, प्लस उसके बाद में वर्ब के साथ में आई एन जी डाल के, प्लस उसके बाद में एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट कुछ भी इधर है उधर है बोल के डाल सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, यानी निरंतरता क्रिया जा रही हो तो उसी जगह में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करना है, यानी प्रेजेंट टेंस मतलब जो रोज रोज कोई चीज को एक एक चीज को करते रहेगा उसको रोज रोज करने वाला का जो है सामान्य सामान्यता एक्शन जो है सामान्यता एक्शन मतलब रूटीन लाइफ, रूटीन लाइफ में हम क्या कर रहा हूँ उसी को हमने प्रेजेंट टेंस में करना है। रूटीन लाइफ का बाद में जो एक एक्शन जा रहा है मतलब यानी जारी है, एक क्रिया जारी है उसके बारे में बताना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डालना है। ठीक है उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण काल, पूर्ण काल, पूर्ण काल मतलब प्रेजेंट का पहले, पास्ट का भी पहले, जो हो चुका है कंप्लीट हो चुका है उसी को माने पूर्ण काल बताता है, यानी परफेक्ट टेंस बताते हैं। परफेक्ट टेंस मतलब एक क्रिया खत्म हो चुका है पास्ट में, पास्ट में नहीं पास्ट का भी पहले कदम जो का है वो उसको उसको बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका स्ट्रक्चर, वाक्य का स्ट्रक्चर पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट सिंगल सिंगुलर है तो हैस, प्लूरल है तो हैव, प्लस वी थ्री वर्ब, वी थ्री वर्ब मतलब क्या है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन क्या है, गो बेसिक वर्ब है, वेंट पास्ट टेंस वर्ब है, उसका बाद में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आई एन जी रहेगा, वही जो है सॉरी वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है माने गो वेंट, वेंट का पास्ट 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 ट्रिपल गॉन गॉन रहेगा। वाक मतलब वाक बेसिक, वाकड पास प्रेजेंट बेसिक हो गया, वाकड पास्ट टेंस हो गया, वाकड फिर पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। स्टडी स्टडीड स्टडीड, रन रैन रन, सी सा सीन, डू डिट डन, यानी 1 2 3 थ्री वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में डालना है। ये प्रेजेंट थ्री वर्ब जो है इसी को मात्र आएगा, दूसरा जगह में नहीं आएगा, ये जो वी वन वर्ब वी फाइव है प्रेजेंट में मात्र आएगा दूसरा जगह नहीं आएगा, ये जो आई एन जी के साथ में जो है कंटिन्यूस में मात्र आएगा, कोई भी कंटिन्यूस हो उसमें आई एन जी आया तो वो कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो पास्ट कंटिन्यूस हो परफेक्ट कंटिन्यूस हो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, यानी आई एन जी साथ में आया तो उसको पहले क्या क्या हाल में है, ये हाल में क्या कौन सा हाल में है बोल के समझाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब उसका साथ प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट साथ प्रेजेंट के साथ में आई एन जी
डाल के करना है। कोई भी कौन सा टेंस में है पहले ये वर्ब को देखना है, उसको पहले एक्सिलरी वर्ब देखना है, तब कौन सा टेंस में ये है बोल के मालूम हो जाएगा। ये टेंस इज द, टेंस क्या है, टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय वर्ब टू इंडिकेट टाइम, टाइम को दिखाएगा और कंटिन्यूस को दिखाएगा और कंप्लीटनेस को दिखाएगा। ये तीन चीज़ को दिखाने के लिए आपको टेंस 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 का टेंस वर्ब 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 के लिए ये वर्ब कौन सा हाल में है बोल के, यानी वर्ब कंप्लीट हो चुका है नहीं तो कंटिन्यूस में है, नहीं तो टाइम को बताने के लिए है, यानी प्रेजेंट में या पास्ट में, ऐसे टाइम को समय को बताने के लिए ये टेंस आपको काम देता है। ओके नेक्स्ट जो है, हाँ इसको इसके बारे में, ही हैज स्टडीड लेसन वेल, माने वो उसने यानी वो अच्छा से पढ़ाई किया है, पढ़ रहा है नहीं, पढ़ता है नहीं, पढ़ाई किया हुआ है, कब पढ़ाई किया है यानी पास्ट का पहले, प्रेजेंट में होके आपने बात कर रहा है पास्ट का पहले, पास्ट एंड तो ही स्टडीड बोलने से वो पास्ट हो जाएगा, हैज किस लिए डाला, पास्ट का पहले यानी प्री पास्ट, पास्ट प्रेजेंट में खड़ा होके पास्ट का पहले जो संभव जो कुछ हुआ है उसको बारे में किसी को बताने के लिए सिंगुलर है तो हैज डाल के वी थ्री वर्ब डाल के बोलना है, और प्लुरल है तो हैव डाल के वी थ्री वर्ब डाल के क्रिया का साथ में वी थ्री वर्ब डालना है, वी थ्री वर्ब क्रिया रहना चाहिए उन्हें प्लुरल के लिए। ओके और शी हैज़ लेफ्ट, शी हैज़ लेफ्ट बाई बस इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह है चला गया है बोलने के लिए, सुबह चला गया बोलने से ही लेफ्ट इन द मॉर्निंग, सुबह है चला गया है मतलब खबे चला गया है, यानी यानी प्रेजेंट के पास्ट के पहले चला गया है, तो उसी के बारे में बताने के लिए ये है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। शी हैज़ लेफ्ट बाई बस इन द मॉर्निंग, वो है वो सुबह है चला गया है, ऐसे बोलने के लिए सुबह चला गया नहीं, सुबह है चला गया मतलब खबे चला गया, उसी के बाद बोलने के लिए शी हैज़ लेफ्ट। और अनवर एंड एंथोनी हैव फ्रेंडशिप, ये मतलब उसका पोजीशन को, हैव भी ये मेन वर्ब का हिसाब से इधर आया है, यानी हैस हैव वैसे ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का साथ में आया है इसलिए हैव डाला हूँ, यानी किसी अनवर एंड अंधोनी हैव फ्रेंडशिप, अनवर और अंधोनी ये दोनों ना स्नेह स्नेह है यानी दोस्त है, दोस्त है बोलने बोलने के लिए ये हैव आया है। आई हैव ए गुड फ्रेंडशिप विद अली, अली के साथ मेरा अच्छा फ्रेंडशिप है, अच्छा दोस्ती है, आई हैव ए गुड फ्रेंडशिप यानी उसका पोजिशन बताता है, कभी पोजीशन में बताएगा कभी क्रिया में बताएगा, ये हैव हैस। दे हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये फिल्म को उन लोग देख चुका है, यानी चुका है चुकी है चुके चुके हैं बोल के हिंदी में आपको वर्ड है उसी के जगह में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालना है वी थ्री वर्ब का साथ, हैस या हैव डाल के। ओके दे हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये फिल्म वो लोग पहले देख चुका है मतलब ये हैव वॉच्ड, वो लोग देखा है बोलने से वो लोग देखा हुआ है, देखा हुआ है बोलने से दे वॉच्ड मात्र आएगा, ये पास्ट टेंस का बोलने के लिए, पास्ट का पहले के बोलने के लिए जो पूर्ण संपूर्ण हाल को बताने के लिए यानी पूर्वकाल, पूर्वकाल मतलब अभी 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 नहीं, इसका पहले नहीं उसका भी पहले, पूर्वकाल कभी हुआ है उसी के बोलने के लिए ये हैव आया, हैस डाल के वी थ्री वर्ब डाल के एक्सटेंशन डाल के कुछ भी डालना है। देवा हैज डन हिज वर्क फास्ट, देवा एक नाउन है यानी एक नेम हैज डन हिज वर्क फास्ट यानी वो देवा उसका काम को जल्दी ख़त्म किया है यानी कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट जो हो चुका है उसी के बारे में बोलने के लिए हैस या हैव प्लस वी थ्री।
ओके समझ गया ना। देवा एंड देवी हैव डन देयर वर्क, ये दो आदमी हो गया, इसलिए ये हैव डाला, एक का ऊपर कितना भी हो उसको हैव डालेगा। ओके जो हो चुका हुआ काम को, यानी पास्ट का पहले हो चुका है, यानी कभी हो चुका है, मतलब वैसे चीज को बोलने के टाइम में हैव या गैस प्लस बीत रिवर्ब डाल के प्लस कुछ भी एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट डाल के, यानी वार्ता बनाना है, यानी वाक्या बनाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये भी वैसे है, यानी अभी हम खड़ा हूँ प्रेजेंट में, ठीक है, उसका पहले क्या रहेगा, पास्ट रहेगा, पास्ट का पहले पूर्व काल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसको बताया ना, सेम सेम है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है उसी के बारे में, ये जो है वो चुका है, वो चुका है नहीं, वो चुके कभी चालू हुआ, और पास्ट में भी चालू है, प्रेजेंट में भी चालू है, प्रेजेंट में प्रेजेंट तक इसका लिंग है। तो प्रेजेंट में खड़ा होके पिछला का जो काम हो रहा था वो रहा है उसी के बारे में बोलने के लिए। मान लो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट में क्यों नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्यों नहीं बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूस ये है कि प्रेजेंट से फ्यूचर जाएगा, यानी प्रेजेंट में खड़ा होके फ्यूचर में जाएगा। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट में खड़ा होके पास्ट को भी पास करके पास्ट का पहले जाएगा, प्री पास्ट, मान लो प्री पास्ट है परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्री पास्ट है, प्री पास्ट परफेक्ट है, यही ऐसे इसका नाम दे सकता है, प्री प्रेजेंट परफेक्ट है, प्री प्रेजेंट को बोल सकता है इसको, प्री प्रेजेंट, प्री मतलब इसका पहले का पहले, कबे है उसी का, तो ये इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये है प्रेजेंट में खड़ा होके पिछला का बार में बोलने के लिए यूज़ करता हैज़ बीन, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, नहीं तो हैव, उसका बाद इसमें स्पेशली ऐड करना है बीन करके, बीन ए प्लस ऐड करके वी वर्ब का साथ में ing डालना है, V4 प्लस एक्सटेंशन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा वाक्य। तो ये ही सी इट आने से हैस डाल के बीन डालना है, और वर्ब के साथ में ing डालना है। ओके और प्लुरल होगा तो हैव बीन डाल के वर्ब के साथ में ing, वाच है तो वाचिंग, ऐसे डाल के कुछ समय के बारे में बताएगा, कुछ टाइम के बारे में इसमें बताएगा, सिंस रहेगा नहीं तो फार रहेगा, ये इस यही इसी में कुछ समय के बारे बताने के लिए, यानी अकबर हैज़ बीन वर्किंग दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, अकबर 5 साल से काम इस कंपनी में कर रहा है, 5 साल से ये इस कंपनी में कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, मतलब 5 साल से कर रहा है, तो अभी 5 साल हो गया उसका काम करते करते, मतलब पीछे का बार में बता रहा है, पास्ट टेंस में होगा तो ही वर्कड नो वर्क दिस कंपनी 5 ईयर्स, ऐसे आएगा। ये हैज़ बीन आया तो यानी पास्ट का भी प्री पास्ट, पास्ट का भी और पास्ट का बारे में बताने के लिए, खबे चालू करके अभी तक कर रहा है और भी करेगा होगा, और 2 महीना अगर हो गया होगा तो इसका 5 साल हो गया है, ऐसे करके बोल सकते हैं। यानी अकबर हैज़ बीन वर्किंग दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, नेक्स्ट 2 मंथ, आगे 2 महीना अगर हुआ तो इसका कंपनी, ये 5 साल इसका हो चुका है बोल के, हो चुका रहा है, यानी वो चुका है बोलने से इधर हो गया, यानी परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो चुका रहा होगा, होगा हो रहा होगा, ऐसे होगा हो रहे होगा, ऐसे के ऐसे करना, ऐसे हिंदी में जहाँ आएगा उसी जगह में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। समझ गया होंगे, सोचता हूँ समय समझ गया होंगे, फिर
फिर भी एक ऐसे एक डायग्राम दे रहा हूँ कि ये जो है, टाइम बहुत हो जाएगा, परसेंटेंस में क्या क्या रहेगा, आप एक टिप्स का मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटा अक्षर में होगा, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। डेली रूटीन लाइफ में जो कुछ एक्शन करेगा, डेली डेली जो कुछ करने करने का, यानी करने का आदत है, उसी को परसेंटेंस में बोलना है, डेली रूटीन लाइफ एटीट्यूड्स। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यू में कैसे बोलना है, अभी जो कुछ क्रिया जा रहे हो तो अभी जारी क्रिया को, अभी जारी क्रिया को, यानी जस्ट रनिंग एटीट्यूड, अभी जा रहा है कुछ कुछ क्रिया, अभी जा रहा है, ये कहाँ पहुँचेगा, आगे भविष्य में पहुँचेगा, ऐसे चीज़ को, यानी जा रहा है जिस क्रिया को कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना है। अच्छा, ये देखिए, अभी प्रेजेंट V1, प्रेजेंट में खड़ा हूँ, पिछले का, पास्ट का, पहले का, प्री पास्ट में जो कुछ हुआ है उसी के बारे में बता रहा हूँ, यानी V3 वर्ब डाल के पूर्ण काल का बार में बताएगा। तो प्रेजेंट में खड़ा हूँ, पास्ट का छोड़ के आगे और आगे कभी कभी हुआ कुछ क्रिया के बारे में बताने वाला है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालना है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस देखिए, प्रेजेंट में खड़ा हूँ, पास्ट में, पास्ट का भी बार किया, ऊपर देखिए, पास्ट का भी बार किया, तो प्रेजेंट पास्ट में जो हुआ है उसका बारे में बता रहा हूँ, उसका बारे में बताने के टाइम में कंटिन्यूस डाल के बताना है। ऐसे एक टिप्स का मैं भी इसको आप यानी सोच रखे, तो आपका ये सब याद रखे, डेली डेली आप इसको आधा घंटा देखेगा तो आपका इंग्लिश बोलने में लिखने में गलत नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाँ, और इतने में समाप्त करें, और सबको नमस्ते, आगे जाएंगे मेरा तमिल भाइयों के साथ सर्विस करने के लिए। தமிழ் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், நன்றி. எனது சேனலை ஃபாலோ பண்ணும் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம். தமிழ் மக்களுக்கு இந்தி தெரிய அதிகம் பேருக்கு தெரியதில்லை, அதனால் இந்தி தெரியாமல் எத்தனையோ பேர் தன்னுடைய கேரியரில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீடியோ இது. இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும், அப்புறம் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் பக்கத்தில் வித்தியாசம் வைத்து டிஃபரன்ஷியேட்டுக்காக பார்த்து போகிறதுக்காக இது உருவாக்கப்பட்ட வீடியோ. ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ராணி வாக்ஸ் 2 கிலோமீட்டர், ராணி தினந்தோறும் 2 கிலோமீட்டர் நடக்கிறாள், நடக்கிறாள், நடப்பாள் இல்லை, நடப்பாள்னா ஃபியூச்சர் ஆகிடும், நடக்கிறாள், டெய்லி நடக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டில் தான் சொல்லணும். ஹீ கோஸ் டு லைப்ரரி, தினந்தோறும் அவள் புஸ்தக நூலகத்திற்கு போகிறான். ஷி மேரிஸ் ஹிம் எவ்ரி வெட்டிங், ஒவ்வொரு திருமண நாளிலும் அவள் அவனை திருமணம் செய்கிறாள், அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா ஒரு கற்பனைக்காக கொடுத்தது. சன் செட்ஸ் இன் தி வெஸ்ட், சூரியன் மேற்கே அடைகிறது. சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட், சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறது. இதெல்லாம் வழக்கமாக டெய்லி நடக்கக்கூடிய செயல்கள். அந்த வழக்கமாக ஒரு ஹேபிட்டோ ஒரு செயலோ வழக்கமாக செய்கிறோம்னா அந்த செயலை சொல்லும்போது பர்சன்டேஜில் தான் சொல்லணும், வழக்கமான செயல்களை சொல்லும்போது. ஐ கோ டு பெட் 9 o'clock, ஐ ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் 8 AM, இந்த மாதிரி வழக்கமாக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் தான் சொல்லணும். ஐ ட்ரிங்க் மில்க் இன் தி நைட் டெய்லி, தினந்தோறும் இரவில் நான் பால் குடிப்பேன், அப்படிங்கிறது இது. அப்போது ட்ரிங்குங்கிறது ப்ரெசன்ட் சிம்பிள். ஐக்கு ஐ வி யூ தே புளுரல், புளுரலுக்கு எல்லாமே நம்ம V1 வெர்ப் போடணும்,
बेसिक वर्ब वी वन बेसिक वर्ब बेसिक वर्ब फाइव नो पोटर का फाइव ना ना बेसिक वर्ब फाइव उन्दे वर्ब पोड़ा ईएस ईएस இல்லைனா எஸ் இதில் மூணில் ஏதாவது ஒன்று வெர்புடைய லாஸ்டில் சேர்க்க வேண்டிய வரும். அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் சேர்க்க வேண்டிய இடங்களில் இடங்கள் சேர்த்து அதை சிங்குலராக இருந்தால் அந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்து தான் எழுதணும். காரணம் அது விதி, அதனுடைய ரூல்ஸு. ஸோ பி த்ரீ வெர்ப்பு பற்றி அந்த வீடியோ நம்பர் லெசன் நம்பர் 17 வீடியோ நம்பர் 33 நினைக்கிறேன். லெசன் நம்பர் 17 அடிச்சிங்கன்னா வரும். இன்எஸ் கணேசன் லெசன் நம்பர் 17 அடிச்சிங்கன்னா அந்த வி ஃபைவ் வெர்ப்பை பற்றி அதிகமாக விளக்கம் அதில் கொடுத்துருக்கேன். அது எது எந்த மாதிரி அந்த வி ஃபைவ் வெர்ப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், கண்டுபிடிச்சு போகணும் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ வி கோ டு சர்ச் ஆன் மண்டே. மண்டேயில் நாங்கள் திறந்து வரோம். மண்டே ஒவ்வொரு மண்டேயும் நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போவோம் போகிறோம் அப்படிங்கிறது. யூ கம் டு மை ஹவுஸ் எவ்ரி சண்டே. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் என்னுடைய வீட்டுக்கு நீ வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். தே ரீடு நியூஸ் பேப்பர் ஆன் மார்னிங்ஸ். காலையில் அவர்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறார்கள். இட் டஸ் இட்ஸ் பெஸ்ட் ஆல் டைம். இந்த மாதிரி சிம்பிள் டென்ஸாக கொடுத்துருக்குறேன். காரணம் இந்த வாக்ஸுங்கிறது அதாவது சிங்குலர், ஒரு பேராக இருந்தாலும் ஒரு வி ஒன் வெர்ப் தான் போடணும். ஹீ சி இட் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா அந்த அந்த வி ஃபைவ் வெர்ப்பு பேசிக் வெர்ப்போடு சேர்த்து போடணும் அப்படிங்கிறது கணக்கு. ஐ வி யூ தே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து வி ஒன் வெர்ப் மட்டும் போட்டால் போதும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்காக. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வி ஃபோர் வெர்ப்பு. வி ஃபோர் வெர்ப்புனா என்னது? ஐஎன்ஜி வெர்ப்பு. அதெல்லாம் நாங்கள் அந்த வீடியோவில் வீடியோ நம்பர் 17 காமிச்சிருக்கேன். இதுக்கு முந்தின வீடியோ 20 காமிச்சிருக்கேன். வெர்ப்பு என்ன? வெர்ப்பு வெர்ப்பு 1, வெர்ப்பு 2, வெர்ப்பு 3, வெர்ப்பு 4, வெர்ப்பு 5. அதாவது பேசிக் வெர்ப்பு 1 கோ அண்ணா வென்ட்டு கான். இது மெயின் வெர்ப்பு. இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன? ஆமாம். அப்புறம் வி ஃபோருங்கிறது ஐஎன்ஜி வெர்ப்பு. வி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இஎஸ் ஐஇஎஸ் எஸ். இது வெர்ப்போட சேர்த்து போட லாஸ்ட்டில் போடக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறத விவரம் அந்த வீடியோவில் இருக்குது, அதை பார்த்துக்குங்க. ஓகே. தென் இதில் வந்து சிஎஸ் குக்கிங் டின்னர். சிஎஸ் குக்கிங் டின்னர்னா அவள் வந்து மதிய சாப்பாடு செய்து கொண்டு இருக்கிறாள். இந்த இஸ்ஸு ஆமு ஆறு அப்படிங்கிறதுனா இருக்கிறாள் ஆம் இருக்கிறேன் ஆர்னா இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும். அந்த என்ன? ஆமாம். அந்த ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா ஐஎன்ஜி வரும்போது செய்து கொண்டு இருக்கிறாள், சமையல் செய்து கொண்டு இருக்கிறாள். ஹீ இஸ் ரீடிங் புக்ஸ் ஃபாஸ்ட். புத்தகங்கள் படித்து கொண்டு இருக்கிறாள். ஐ ஆம் ஈட்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். 8 மணிக்கு நாங்கள் காலையில் சிற்றுண்டி அருந்து கொண்டு இருக்கிறேன். நான் தினந்தோறும் 8 மணிக்கு சிற்றுண்டி அருந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். இட்டு அல்லது தட் இஸ் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட். வேகமாக ஓடுகிறது. இஸ் ரன்னிங் வேகமாக ஓடுகிறது. ஆர் ஒர்க்கிங் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ. நாங்கள் உங்களுக்காக வேலையை பார்க்கிறோம், பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். எனக்கு அந்த கொண்டுன்னு எங்கெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் ஐஎன்ஜி வெர்போடு சேர்க்கணும். வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ. தே ஆர் ப்ரேயிங் ஃபார் யூ. அவர்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்னு சொல்ல முத அதுதான் வரும். அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்னு நம்ம திருத்தி கொண்டு போய்விடணும். அப்போ தான் கரெக்டான இங்கிலீஷுக்கு நம்ம போய் சேர முடியும். தன்வீர் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் ஆர் லுக்கிங் ட்வின் பெர்த். தன்வீரும் அவருடைய சகோதரரும் இருவரும் ரெட்டையர் போல் தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறது. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டூர். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுனா ப்ளூரல், அதனால் ஆர் போட்டிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு எ டூர்.
என்னுடைய சிநேகிதர்கள் ஒரு பிரயாணம் போகிறார்கள், போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஓகே, அந்த மாதிரி. ஸோ இது அடுத்து வந்து ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னா என்னென்னா, அதாவது நம்ம இப்போ நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறோம்னா, பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சோ, எப்பமோ நடந்திருக்கும் இல்லையா, பாஸ்ட் டென்ஸுக்கும் முன்னாடி ஏதோ கொஞ்சம் நடந்திருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லும்போது ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்டில் சொல்லணும். பாஸ்ட் டென்ஸில் ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னா, பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் ஜஸ்ட் பாஸ், அதுதான் பாஸ்ட் டென்ஸு. நமக்கு அந்த பாஸ்ட்டுக்கும் முன்னால் ப்ரீ பாஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, அது ப்ரீ பாஸ்ட் தான் இந்த ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஹீ ஹேஸ் ஸ்டடிடு லெசன். அவன் பாடங்கள் நன்றாக படித்து விட்டிருந்தான், படித்து விட்டான் அப்படின்னா ஹீ ஸ்டடிடு லெசன் வந்துடும், அது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வரும். இது வந்து படித்து முடித்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஹீ ஹேஸ் ஸ்டடிடு லெசன் வெரி வெல் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு போயிடுது, ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டுக்கு போயிடுது. ஸோ ஷீ ஹேஸ் லெஃப்ட் பை பஸ் இன் தி மார்னிங். அவள் அதிகாலையிலேயே பஸ் மூலம் சென்று கொண்டு விட்டாள், என்ன சென்று விட்டாள். அது முடிஞ்ச விஷயத்தை, ஒரு கம்ப்ளீட்டட் சென்ஸை, ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனை சொல்லும்போது ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்டாக வச்சு சொல்லணும். இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கும், அதை வந்து பாஸ்ட்டில் சொல்லணும், சிம்பிள் பாஸ்ட்டில். எப்போமோ முடிஞ்ச விஷயத்தை இப்போ நம்ம சொல்லும்போது ஹேஸோ அல்லது ஹேவோ போட்டு சொல்லணும். சிங்குலராக இருந்தால் ஹீஷி இட்ருன்னு வந்தால் ஹேஸ் போடணும். ஐவி யூ தே இல்லைனா ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி வந்தால் ஹேவ் போட்டு, எப்போமோ முடிஞ்ச விஷயத்தை இப்போ சொல்லும்போது சொல்லணும். பாஸ்ட் டென்ஸுங்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாட, அதாவது இந்த ப்ரெசண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் முன்னால் நடந்த விஷயங்களை பாஸ்ட் டென்ஸில், எப்போமோ முடிஞ்ச விஷயங்களை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் ஹேஸோ ஹேவோ அடுத்து வீத்தர் வேர்ப் போட்டு பாஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். எப்போமோ முடிஞ்ச விஷயம், எப்போமோனா பாஸ்ட்டுக்கும் முன்னால், ப்ரீ பாஸ்ட், முன்னால் முடிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லும்போது ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்டில் சொல்லணும். அதாவது ஹேவோ ஹேஸோ போட்டு, இது வந்து ஸ்டடின்னா பாஸ்ட்னு ஸ்டடிடு கிடையாது, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸ்டடிடு, அதாவது ஸ்டடி ஸ்டடிடு ஸ்டடிடு, லெஃப்ட் லீவு லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டு, அடுத்து ஹாவு 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 ஹேடு ஹாவு, அடுத்து வந்து வாட்சு வாட்சுடு வாட்சுடு வாட்சுடு, அடுத்து டூ டிட்டு டன்னு, அந்த மாதிரி இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்ப பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணணும். ஹேஸு ஹேவு அவ்வளோதான், அது பிற பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் போட்டு வீத்ரி வெர்ப்பில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு யாபத்துக்காக நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, போட்டு போட வேண்டியது. தே ஹவ் வாட்ச்டு, தே ஹாவ் வாட் தே ஹாவ் எ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இதாவது தே இது வந்து இந்த இடத்துல ஹாவ் வந்து ஆக்சிலரியாக இல்லாமல் மெயின் வெர்பாக வந்திருக்கு. மெயின் வெர்பாக வந்திருக்குன்னா அதாவது பொசிஷனை சொல்லும்போது மெயின் வெர்பாக வந்துடும். ஐ ஹாவ் எ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் அலி, அலியோடு எனக்கு ரொம்ப சிநேகிதமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத எப்போ இருந்து இப்போ ஆரம்பிச்சதில்லை, எப்பவுமே இருந்து ஆரம்பித்த விஷயம், அதை சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் எ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம். They have watched this movie. They have watched this movie. இந்த படத்தை நான் அவர்கள் எப்போதோ பார்த்து விட்டார்கள், பார்த்து இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தேவா ஹேஸ் டன் ஹிஸ் ஒர்க் ஃபாஸ்ட். தேவா அவருடைய வேலையை சீக்கிரமாக முடித்து விட்டு இருக்கிறார், அதாவது பூர்வகாலத்தில் நடந்த விஷயங்களை சொல்லும்போது பூர்வகுடின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ் குடியை, அது மாதிரி பூர்வகாலம் இப்போ இல்லாமல் எப்பமோ இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது நம்ம ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்டில் சொல்லணும். அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் எ ஹாவ் ப்ளஸ் வீத்ரி வெர்ப் ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன், இதுதான் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர். இதன் அடிப்படையில் சிங்குலராக இருந்தால் ஹேஸு ப்ளூரலாக இருந்தால் ஹேவ் போட்டு சொல்ல வேண்டியது ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ். அதோட சில
वर्ड्स यूज पड़ी के जस्ट जस्ट एवरी ऑलरेडी नेवर एवर येट इतमान विषय इतमान वेड्स लास्ट यूस पड़ी के नेक्स्ट वो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन वी वी फोर प्लस एक्सटेंशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन स्ट्रक्चर அதோட இந்த சின்ஸ் அல்லது ஃபார் ஒரு டைம் வந்து இதை போடணும் லாஸ்ட்டில். இங்கே வந்து ஒரு டைம் போட வேண்டாம், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஜஸ்ட்டு எவர் நவர் ஆல்ரெடி எட்டு இந்த மாதிரியான சில வேர்ட்ஸை இதில் லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து டைம் பெர்ஃபெக்ட் டைம் எக்ஸாக்ட் டைம் எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்ட் இயர் எக்ஸாக்ட் டைம் 5 o'clock 2018 ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்களில் சின்ஸு ஈவினிங் சின்ஸு அப்படிங்கிறது ஃபார் அப்படிங்கிறத இதில் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். சின்ஸு ஃபார் டைம் இதை வந்து இதில் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அக்பர் ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 5 years 5 வருடங்களாக அக்பர் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லிடலாம். ஆனால் ஏன் சொல்லலை இதில் has been working-னா வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார், இன்னும் பார்க்கிறார், அடுத்தும் பார்ப்பார், இல்லை இன்னும் 2 மாதம் ஆகும்போது இவருக்கு 5 வருஷம் முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறான விஷயங்களில் வரும். அதாவது அக்பர் ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 5 years பை திஸ் நெக்ஸ்ட் 2 months 2 மாதம் ஆகும்போது அக்பருக்கு இந்த கம்பெனியில் 5 வருஷம் வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஆகும். அப்போ இன்னமும் வேலை பார்க்குறாருனா அர்த்தம் அர்த்தம் என்னென்னா ப்ரெசண்ட்டில் நிற்கிறோம், பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம். அதாவது 5 வருஷமானா வேலை பார்க்குறாருன்னா பின்னால் நோக்கி போகுது, பின்னால் 5 வருஷத்துக்கு பின்னால் போயிட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ்ட்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்க வேலை பார்த்துட்டு கொண்டு இருக்கிறார், இன்னமும் பார்க்குறார், இன்னும் 2 மாதம் ஆகும்போது இவருக்கு 5 வருஷம் முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற போது அக்பர் ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 5 years பை திஸ் நெக்ஸ்ட் 2 மந்த் அடுத்த 2 மாதம் ஆகும்போது அக்பர் இந்த கம்பெனியில் 5 வருஷம் வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இதுக்கு அர்த்தம் வரும். அடுத்து சிங்கிள் ஹீஸே இட்டு வந்தால் ஹேஸ் பீன் டூயிங் ஹேஸ் பீன் போடணும். She has been doing duty since morning. காலையிலிருந்தே அவள் அவளுடைய டியூட்டியை செய்து கொண்டு இருக்கிறாள் சின்ஸ் மார்னிங். அதாவது காலையிலிருந்தே அப்படின்னு அப்போனா என்ன, இப்போவும் அவள் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறாள், முடியலை, செயல் முடியலை. ஆனால் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, பேக்கிலிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, பாஸ்ட்டுக்கும் முன்னாடி ப்ரீ பாஸ்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கு, ஆரம்பித்து இன்னும் செய்து கொண்டு இருக்கிறார், அடுத்தும் செய்வார் அப்படின்னா ஏன்னா முடியலை. இந்த சென்ஸ் வந்து டென்ஸ் முடியலை. இது முடியுதுன்னா இது வந்து ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸில் போகுதுனாக்கா ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ்லேருந்து ஃபியூச்சருக்கு போகும், இது வந்து ஃபியூச்சருக்கு போகாது. என்ன செய்யுதுன்னா பேக்கில் போகுது, ஆரம்பித்த இடம் ரொம்ப பேக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த 2 மாதம் முடியும் போது 5 வருஷம் இவருக்கு முடியுது அப்படின்னு 5 வருஷம் வேலையை பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். தே ஹாவ் பீன் வாட்சிங் டிவி சின்ஸ் ஈவினிங் 5 o'clock ஈவினிங் 5 மணிலிருந்து இவங்க அவர்கள் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார்கள். அப்போ இன்னும் முடியலை, கண்டினியூஸில் இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ்ல சொல்லும்போது இதை ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டில் ஹேஸ் யா ஹாவ் போட்டு பீன் போட்டு ஒர்க்கிங் வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து ஒர்க்கிங் போட்டு குறிப்பிட்ட சின்ஸ் ஆஃப் ஆர் போட்டு இதை சொல்லணும். ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ 45 மினிட்ஸ் ஆகி போச்சு. ஸோ திஸ் மச். ஓகே, பை பை, சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ டுமாரோ.